कई बार समझाया है इन चीजों पर ध्यान रखिए किस तरह से है, क्या कंडीशन है, और आप बार बार वही गलती करते हो और बहुत बार ये चीजें समझाइए। मैंने एग्जांपल लिया, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोबाल्ट कौन से नंबर पे आता है। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, आपको ये 10 एलिमेंट तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसमें जो अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो इसका कितना आता है 3d1, 4s2, इसका 3d2, 3d3, 3d5, इसमें भी 3d5, इसमें 3d5, 4s कितना होता है 1, और इसमें 4s2, 3d6, 3d7, 3d8, 3d10, 4s1, 3d10, 4s2। ये दो चीजें हमने आपको ध्यान रखने के लिए बताया था कि ये जरूर आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहला काम अपना कि कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कितनी आएगी कोबाल्ट का है, ये रहा 3d7, 4s2। और अगर आप इसको फिल करके दिखाते हो तो आप दिखाओगे कैसी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, और 4 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए, यहाँ पर क्या आया 3d 4s और यहां से क्या आएगा 4p। ठीक है, अब आपने निकाला क्या कोबाल्ट की स्टेट में, ये निकालना पड़ेगा। तो कोबाल्ट CO C2O4 3 नेगेटिव, ये हमारे फर्स्ट कंडीशन। इसके ऊपर -2 चार्ज होता है इसलिए -6, तो x इसको मान लिया -6 = -3 और x = +3, means कोबाल्ट आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आएगा, अगर ये कंडीशन आ गई इसका मतलब कोबाल्ट ने कितने 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस शेल में कोबाल्ट की, 9, 9 में से 3 चले गए तो कितना बच गया 3d6 बच गया, 3d6 बच गया। तो अब आप क्या करोगे, इसी तरह से लिखोगे 3d6, इस तरह से आप बनाओगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या 3d6, और यहां से s के खाली है और p भी अपने पास खाली है। अब यहां से क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को यहां पर जंप करवा देगा और इसको यहां पर करवा देगा, कितना आया 1 2 3 4 5 6, दो खाली हो गए। आप जब भी कभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो दो ही कंडीशन बना सकते हो, या तो sp3d2 या फिर d2 sp3। कितनी बार बताएं यहां से पता नहीं कौन sp3 लिख रहा है, कैसे काम चलेगा भाई। एक बात बताइए, जब ऑक्टाहेड्रल ही हो गया तो इसका मतलब 6 उसके पास जुड़ने वाले हो गए, तो जो आप 3 बना रखे हैं, 4 बना रखे हैं, sp3 बना रहे हो, कैसे है, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत दफा मैंने आपको ये चीज बताई कि ये चीजें लिखनी है, इससे आपको पता लगेगा। जैसे कि टेट्राहेड्रल के केस में हम कौन सा पढ़ते हैं, sp3 पढ़ते हैं, या फिर हमारे पास एक कंडीशन और भी आती है जिसमें dsp2 की बात आप करते हैं। समझ गए, फिर ये कंडीशन आ गई। अब यहां से अपने पास ये भी वैकेंट हो गया और ये वाले भी वैकेंट हो गए, तो जब सारे वैकेंट हो गए तो एक तो यहां हमारे पास C2O4 यहां पर आ जाएगा, एक इसके साथ, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें और एक इसमें, तो कितने 6 हो गए। तो D2SP3 अपने पास आ गया। अब D2SP3 आया, यहां से पेयर्ड सारे के सारे, इसलिए कैसा है डायमैग्नेटिक है, कैसा है डायमैग्नेटिक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि अंदर की डी के ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। दिव्या समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम, तो ये अगर आप स्टेप वाइज लिखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज शॉर्टकट के चक्कर में आप इसको नुकसान कर रहे। रही बात दूसरे की, जो हमारे ने ये क्वेश्चन दिया आपको Cu NH3 4 2 पॉजिटिव, हाँ बोलिए। तीन क्यों बनने थे, तीन ही तो है, माइनस दो चार्ज है, दो जगह से डोनेट करेगा, कितनी जगह से, दो जगह से डोनेट करेगा,
समझ में आई बात, बाइडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए ये एग्जांपल दिया था। तो जो आप चाहते कि डायरेक्ट वही दिखे यहां पर, तो कहीं पे यहां पर लिगेंड सिक्स लिख रखा होता तो आप लगते यही है, आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, इसका मतलब C2O4 का। समझ में आई बात, कौन सा आयन है ये, कौन सा आयन है ये, आयन कौन सा ये, लिगेंड्स तो होते हैं ना जो डोनेट करते हैं वो बात ठीक है, बाइडेंटेट है, जैसे कि अमोनिया होता है NH3, फ्लोरीन होता है हमारे पास, क्लोरीन हो सकता है, इसी प्रकार से इसको क्या कहोगे, कौन सा ऑक्सलेट, और ऑक्सलेट में कितने होते हैं, दो डोनेट करने वाली जगह होती है। समझ में आई बात, कौन सा ये ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट को ऐसे लिखते थे COO-COO-, यहां से भी ये डोनेट करेगा और यहां से ये डोनेट करेगा। समझ में आई बात, अब ये कैसा हमारे पास, हाँ आपने गलती कर रखी थी मेरे ख्याल से, तो जो भी बना रखा था अब समझ में आया क्या है, या तो प्रैक्टिस कर लो भाई, एग्जाम आपके नजदीक है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। इतने दिन से 5 दिन 6 दिन 7 दिन थे आपके पास, क्या किया इतने दिनों में, कुछ नहीं। फिर आप ये उम्मीद करते हो कि नहीं हम तो अच्छे मार्क्स ले लेंगे, नहीं भैया ऐसे नहीं है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। इसकी कंडीशन की बात करते हैं, यहां पर अमोनिया के ऊपर कैसा चार्ज होता है, जीरो, तो Cu+0 × 4 = 2। तो Cu यहां से कितना आ गया, 2 आ गया। अब Cu+2 का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, Cu2 कहां है, ये है, दो देने का मतलब है 3d9। तो Cu बोला था आपने, मैंने ये यहाँ पर लिख भी रखा है, नहीं फिर वो लिख दिया कौन सा ठीक कर दिया, वाह नहीं वो भी गलत करोगे। अब इसमें क्या हुआ कि D9 आ गया, अब D9 लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई, D ऑर्बिटल बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है भाई हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कंडीशन क्या है, कंडीशन देखिए, तो हमारे पास अगला कौन सा खाली है, एस, और उसके बाद कौन सा खाली है, पी खाली है। टेक्निकली देखिए तो हमारे पास sp3 आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए भाई, sp3। समझ में आई कुछ बातें, क्या आना चाहिए, sp3। और यही लिमिटेशन थी बीबीटी, साइंटिस्ट ने वर्क किया इसके ऊपर बार बार, उनको पैरामैग्नेटिक करेक्टर तो मिल रही थी परंतु हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिल रही थी इस वाले sp3। समझ में आई बात, उनको पैरामैग्नेटिक तो दिख रहा था कि ये है पैरामैग्नेटिक, बट sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रही थी उनकी, तो इसलिए वे बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और VBT के अकॉर्डिंग sp3 ही है। बट जब साइंटिस्ट ने बार बार चेक किया, वहां पर हमारे पास एक टेक्निक आती है, उस टेक्निक के थ्रू उन्होंने उसको अप्लाई किया और स्पेक्ट्रोस्कोपी को नहीं लिख फेसबुक के अंदर मिले क्या, एक टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे जब बार बार इसको मेजर किया जा रहा था तो कंडीशन को थोड़ी अलग आ रही थी। कंडीशन अलग क्या मिल रही थी, उनको बार बार क्या दिखाई दे रहा था कि ये पैरामैग्नेटिक तो है, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से एस और यहां से पी इस तरह से था, परंतु जो इलेक्ट्रॉन जो मिल रहा था ना उनको इस तरह से सारी पीछे तक खाली थी, समझ गए भाई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, यहां का इलेक्ट्रॉन था ना, उनको बार बार पी में मिल रहा था, कहां पर, पी के अंदर, समझ में आई बात, पी के अंदर मिल रहा था, तो इसका मतलब ऑर्बिटल कौन सी यूज हुई, तो हाइब्रिडाइजेशन आई थी DSP2। यही लिमिटेशन थी VBT,
यही लिमिटेशन जब नहीं बता पाया था तो यूज किया था किसको, सीएफटी को, ठीक है। कोबाल्ट हमारे पास 7 हो गया, 7 हो गया तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 7 हो गया तो आपने कौन सा है 4 है, फिर भी गलत है। देखो 4 के केस में मैंने कंडीशन बताई थी आपको, 4 के केस में कंडीशन बताई थी, या तो एसपी 3 बनेगा या डीएसपी 2 बनेगा, डीएसपी स्क्वायर प्लेनर और एसपी 3 टेट्राहेड्रल। आपने क्या बना रखा है इसमें, डी 2 खाली कर रखी है, 2 खाली करने का मतलब ही नहीं है। जब आपको यह पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 4 जुड़े हुए हैं, जब 4 जुड़े हुए हैं या तो आप एसपी 3 बनाइए उसको या फिर डीएसपी 2 बनेगा, तो डी 2 तो बन ही नहीं सकता कोई भी हालात में, समझ में आई बात। और ये दिमाग का भैया मैं बार बार आपको पिछली बार भी मैं बार बार बोलता था जब हमने इस यूनिट को पढ़ा था कि भाई इन चीजों का ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको भी वेकेंट कर दोगे जैसे आपने कर रखा है, उसको और पीछे तक ले जाके चलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताए थे, कुछ इस तरह के एग्जांपल, मान लीजिए कि हमारे पास मिल जाए ऐसे कितने हैं D5 1 और 2 ठीक है, ये कंडीशन दे दी, देखो होगा CR, मान लीजिए मैंने बनाया NH3 6 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स है ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखोगे कि NH3 के ऊपर 0 चार्ज होता तो क्रोमियम आ गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, क्रोमियम +1 का 3D 5 मैं इसको +2 कर लूं थोड़ा सा और आसान रहेगा, +2 में आ गया तो यहां से आ गया कितना 3D 4 आ गया, 3D 4 आया हमारे पास, तो D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए भाई, 1 2 3 4 हो गया। S खाली है, P सारा का सारा खाली है, ये भी ऊपर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दे रही है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां लेके जाएगा और इसको यहां से यहां लेके जा सकता है, हो सकता है इसको यहां पर लेके जा सकता है स्ट्रॉन्ग है, तो आप कहोगे सर ठीक है तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको यहां पर जंप करवा दे तो 1 2 3 4 और ये खाली हो गए 3, समझ में आई बात। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप D3SP2 बनाओ, ये गलत है। जब हमारे को पता है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिलेगा या तो वहां पर D2SP3 मिलेगा या फिर SP3D2, तो आपको 2 ही वेकेंट करवानी है ऑर्बिटल, तो इसका मतलब आप इसको यहां पर तो जंप करवा दोगे बट इसको नहीं करवाओगे। आपने बताया भी था, दो ही, तो दो ही खाली होनी चाहिए भाई, समझ में ये कंडीशन क्या, इसलिए इसके ऑर्बिटल क्या है D2SP3 या हाइब्रिडाइजेशन आ गई और पैरामैग्नेटिक मिल गया, आपके अकॉर्डिंग ये डायमैग्नेटिक मिलता, ये गलती नहीं करनी हमारे को, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अमोनिया ना वीक फील्ड की तरह काम कर सकता है, और वीक फील्ड का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब वीक फील्ड में कुछ ऐसा ही है, कोई ज्यादा सा इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मान लीजिए कि मैं यहां पर CR इस तरह से लिया और NH3 6 3 पॉजिटिव का कोई कॉम्प्लेक्स ना देता, क्रोमियम +3। अब क्रोमियम +3 का मतलब क्या है, क्रोमियम +3 का मतलब 3D3 है, तो D में पहले ही कितने इलेक्ट्रॉन है,
वन टू थ्री और एस खाली और पी खाली। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बावजूद भी टेयर नहीं करवाएगा, समझ में आई बात? तो यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है? वीक फील्ड। किसकी तरह काम कर रहा है? वीक, जो फील्डिंग लिगेंड्स होते हैं उनकी तरह काम कर रहा है। नहीं आई बात समझ में? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, कैसा कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाइडल में कौन सी कंडीशन बनती है, या फिर एक बात बता, इसके डी तो पहले ही खाली है दोनों के दोनों, तो हमारे को पेयर प्रमाण कैसे? वो स्क्वायर प्लेनर का टेट्राहेड्रल एक ही होता है इसके, समझ में आएगा? जब इसके दो पहले ही खाली है तो हमारे को पेयर करवाने की क्या जरूरत है, तो पेयर करवाई गई समझे भाई? तो यहां पर क्रोमियम प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में अमोनिया के साथ वीक फील्ड लिगेंड्स की तरह काम करेगा। हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं देंगे एग्जाम के अंदर, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए क्या इसके अंदर टर्म कंडीशन है, समझ गए? तो ये कंडीशन थी भाई, हो जाएगा? बताओ कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट हमारे पास जो भी पढ़ाऊंगा भाई उसका नेक्स्ट डे टेस्ट लूंगा, ध्यान रखना। सीएफटी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो हमारे पास होती है सीएफएस ई बोलते हैं उसको, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं, सीएफटी क्या है हमारे पास, ठीक है? सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ध्यान देना भाई, बहुत आसान सी चीजें हैं, कोई मुश्किल सी इसमें बात है नहीं। हमारे पास डी ऑर्बिटल होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी इसमें और कुछ नहीं है। तो डी ऑर्बिटल अपने पास पांच होती है, तो आपने यहां पर लगा लिया ये इस तरह से, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है? कौन कौन सी होती है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ऊपर की तरफ चलेंगे तो आप ऐसे लिखोगे कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है, इसको स्टेज वन का नाम देंगे। कौन सी है? स्टेज वन। अब होगा क्या कि जैसे ही इस डी ऑर्बिटल के पास लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, अप्रोच करने का मतलब भाई इससे नजदीक आएंगे, क्या करेंगे? नजदीक आएंगे, तो नजदीक आने में इसके एनर्जी में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, इसकी एनर्जी, एनर्जी में चेंजमेंट आना स्टार्ट होगा, मींस कि जैसे ही लिगेंड्स अप्रोच करेंगे इसकी तरफ तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसको आप स्टेज टू बोल सकते हो। ये क्या है? स्टेज टू। अब देखिए लिगेंड्स दूर थे जब कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा नजदीक आए तो इसकी एनर्जी में हो गया चेंज, है ना? मैंने पहले भी आपको ये कई बार समझाई ये बातें, बट आप भूल जाते हो बिना प्रैक्टिस के। मैंने बताया कि इसमें कि जैसे कि हम बिल्कुल कोई हमारे से दूर खड़ा तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे नजदीक आना स्टार्ट करेंगे तो हेजिटेशन होना स्टार्ट होती है, बहुत ज्यादा नजदीक आ जाए तो बहुत ज्यादा हेजिटेशन होगी, है ना? जब दूर है तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सेम एज इट इज लिगेंड्स जब दूर है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नजदीक आए तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, हेजिटेशन का मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी हमारी, और ज्यादा नजदीक आएंगे तो क्या करेगा, जो ये ऑर्बिटल है ये दो में स्प्लिट हो जाएगी भाई, और ये दो कंडीशन अलग अलग होंगी, कितने में स्प्लिट हो जाएगी? दो में। इस वाली को आप बोलते हो टी टू जी और इसको बोलते हो इजी, ठीक है? इसमें तीन ऑर्बिटल आती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, यहां पर आती है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा? यह
यहां से जो इस तरह से ये एनर्जी लेवल को डिफाइन करेगी, ये सेंटर वाली एक लाइन, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। या फिर ये इसका एवरेज एनर्जी लेवल भी इसको बोल सकते हो। कैसा है? एवरेज एनर्जी लेवल। ठीक है भाई। जब केस ऑक्टाहेड्रल का होगा, कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल का। ये जो नीचे की एनर्जी होती है हमेशा माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हायर एनर्जी होती है उसको प्लस साइन से करते हो। तो इसको नीचे वाली एनर्जी को माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया गया, इसलिए माइनस फोर आप लिखते हो इसमें, 0.4 लिख सकते हो। और जो ऊपर वाली होती है उसकी 0.6। ये जो माइनस प्लस ये एकमात्र रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, एनर्जी कम है और ज्यादा है। इससे कम दिखा रहे हैं और इस वाले से ऊपर दिखा रहे हैं ज्यादा, क्योंकि मैंने कहा इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रही है। समझे नहीं समझे भाई? बताओ कोई डाउट हो तो। साथ के साथ जो आप इसमें सिंबल यूज करोगे वो डेल्टा का साइन यूज करोगे, ठीक है, डेल नोट का। समझे नहीं समझे भाई? वैसे अगर आप इसको टोटल को जोड़ दो तो कितनी आ जाएगी? वन। क्या वो कितनी आ जाएगी? वन। समझ रहे हो कैसे? ये साइन एकमात्र रिप्रेजेंट कर रहा है कम और ज्यादा को, नहीं तो टोटल हमारी कितनी आएगी? वन आएगी। कोई डाउट हो तो। जबकि मैं बात करता हूं दूसरी तरफ, हमारे पास अगर केस होता टेट्राहेड्रल का, कौन सा भाई? टेट्राहेड्रल। यहां तक तो चलती सेम, ये स्टेज टू आपकी, यहां तक तो होता सेम, पर ये जो स्प्लिटिंग हुई है अपोजिट हो जाती है। स्प्लिटिंग कैसे हो जाती है? अपोजिट। नीचे तो दो आ जाती और ऊपर वाली चली जाती तीन, ये इजी बन जाती, ये टी टू बन जाते। समझे नहीं समझे भाई? कुछ बात समझ में? क्या हो जाता है इसका ऑपोजिट? साइन यही रहेंगे, बट एनर्जी का चेंजमेंट आ जाएगा। इसकी एनर्जी माइनस 0.6 डेल नॉट और ये प्लस 0.4 डेल नॉट। सर एक बार रिपीट करना, ये नीचे भाई टेट्राहेड्रल के केस में ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, बस ये ध्यान रखना। एनर्जी देखिए, तब भी आप दो ऑर्बिटल के लिए 0.6 लिख रहे थे, अब भी कितनी लिख रहे हो? 0.6। तीन के लिए कितनी लिख रहे थे? 0.4 लिख रहे थे, अब भी कितनी लिख रहे हो? 0.4। तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास? साइन चेंज हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे वाला नेगेटिव ही रहेगा। हो जाएगा भाई? बताओ कोई डाउट हो तो यहां पर। जो डिफरेंस है इन दोनों ऑर्बिटल के बीच का, जो एनर्जी का डिफरेंस इन दोनों ऑर्बिटल के बीच का, दोनों कौन कौन सी? तीन ऑर्बिटल ये और दो ये, इन दोनों के बीच का, इस एनर्जी को, इन दोनों के बीच के जो एनर्जी लेवल में है, इस एनर्जी को आप बोलते हो सी एफ एस ई। क्या बोलते हो? सी एफ एस ई। हाँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्या कहोगे? स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी का भी आप इसमें नाम ले सकते हो। ठीक है भाई, हो जाएगा। जो आपकी बुक में जो माइनस 0.4 डेल नोट है, ये माइनस 2/5 डेल नोट भी लिख सकते हो, इसको बात वही है, माइनस 2/5 डेल नोट है या नहीं है? अरे 5/20 yes, बात तो वही है। तो बुक में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ऊपर वाली कितनी आएगी फिर? ऊपर वाली 3/5। समझे नहीं समझे? कितनी लिख दोगे ऊपर वाली को? प्लस 3/5 उसको लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई भाई? हो जाएगा, बताओ भाई कर लोगे? फिर हमारे पास एक सीरीज आती है जिसको बोलते हैं आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
एग्जाम में पूछी जाती है, हरियाणा बोर्ड में खासकर पूछते हैं, सीबीएसई में भी यहां से क्वेश्चन बन जाता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। सीएफएससी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, क्या है लिगेंड्स की अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर सीएफएसई वेल, किसके लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर सीएफएससी वेल, समझे भाई, उनके सीएफएससी वैल्यू के अकॉर्डिंग लिगेंड्स के अरेंजमेंट को क्या बोलते हो आप, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो जाएगा भाई। इसमें कहां से कहां पर जाते हैं, जिसकी लिगेंड्स की छोटी वैल्यू होती है उसको आप वीक फील्ड लिगेंड्स बोलते हो, जैसा कि आप ऑलरेडी बीबीटी में पढ़ते आए हो, जिसकी सीएफएससी की वैल्यू कम होती है उसको क्या बोलते हो, वीक फील्ड लिगेंड्स बोलते हो, और जिसकी सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा होती है उसको आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोलते हो। बात वही है, वीक फील्ड जो पेयर नहीं करवाते थे और स्ट्रॉन्ग फील्ड जो पेयर करवाते थे। अब आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर याद है तो ऑटोमेटिक वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स भी याद हो जाएंगे, हो जाएगा कि हो जाएगा भाई, लिख सकते हो बताओ। अच्छा सीएफएससी को कैलकुलेट कैसे करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सीएफएससी को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास इन दोनों वैल्यू को आप ऐड कर दोगे, इन दोनों वैल्यू को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो सीएफएससी निकलेगी भाई आपकी, जितनी वैल्यू इसकी आएगी नीचे वाले एनर्जी लेवल की और जितनी वैल्यू इसकी आएगी दोनों को ऐड कर देना, क्या निकलेगी सीएफएससी निकलेगी, कर लोगे या नहीं, ठीक है। अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज और है, अगर आप इसी चीज को जो डेल नोट लिख रखा है इसको डी क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हो, किस फॉर्म में, डी क्यू, तो जो ये माइनस 0.4 है इसको आप 4-4 डी क्यू भी लिख सकते हो, तो बुक में हो सकता है कहीं पे डी क्यू लिख रखा हो। हो जाएगा भाई, देख सकते हो ना, ये चीज ध्यान रखनी आपको, उसमें बुक में हो सकता है डी क्यू लिख रखा हो तो आपको उसको डी क्यू लिख लेना। नेक्स्ट हमारे पास, अब ये सीएफएससी वैल्यू हमने सारी चीजें पढ़ ली, अब इसको निकालोगे कैसे, कैसे पता लगेगा ये क्या कंडीशन में कहां पर है, कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे भाई, बहुत आसान सी चीजें हैं, एक में ही समझा दूंगा सारी चीजें हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता लग गया क्या है, वो याद करनी पड़ेगी आपको भाई, आयोडीन होता है उससे ज्यादा ब्रोमीन होता है, उसके बाद अपने पास जो सल्फर होता है वो होता है, फिर HCl होता, थायोसाइनाइड होता हमारे पास वो आता है, उसके बाद हमारे पास क्लोरीन है, फ्लोरीन है, OH नेगेटिव है, C2O4 नेगेटिव है, ये सीरीज आपके पास बुक में दे रखी है, आपको वहां से पढ़नी है, ठीक है। ट्रिक मैंने पहले लिखवा रखी है, जो बच्चों ने लिख रखी है वहां से आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं हम इसका सीएफएससी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो हम दोनों की बात करेंगे, इसकी भी बात करेंगे एक बार, उसकी बात करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले डी वन अगर हमारे पास कोई कंडीशन आ जाए, है ना, जैसे हमने वीबीटी में पढ़ा ना, लिगेंड्स जोड़ने के बाद चार चार्ज निकालने के बाद अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाए, डी वन आ जाए, तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं। मान लीजिए कि मैं ऊपर लिखता हूं ऑक्टाहेड्रल की और यहां पर लिखता हूं किसकी, ये इजी है, और ये टेट्राहेड्रल की, और फिर ऑक्टाहेड्रल की लिखी आपने, फिर यहां पर उसकी सीएफएससी लिख लीजिए, फिर यहां पर टेट्राहेड्रल और उसकी सीएफएससी, ठीक है भाई। अब देखिए क्या होगा, डी वन है तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल होगा, तो इसमें कितना है ऑक्टाहेड्रल में, मैं ये दो चीजें बना लू, ये दो आएंगी यहां पर, यहां पर कितनी आएगी, तीन, तो एक इलेक्ट्रॉन। सीएफएससी निकालनी तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीएफएससी निकालनी थी -0.4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऊपर वाला
जीरो मल्टीप्लाई बाई 0.6 कितना आया, माइनस 0.4 डेल आउट। ये आगे CFS की वैल्यू है, समझ में आया? क्या कर दिया आपने, बस इसको ऐड कर दिया। जबकि यही कंडीशन टेट्राहेड्रल के केस में होती तो क्या होता, माइनस 0.6। उल्टा तो नहीं कर दिया हमने इसमें ना, सर ऊपर वाली तो ठीक है, क्योंकि D1, D2, D3 ये केस में सेम आती है। इसमें टेट्राहेड्रल का एग्जांपल ही नहीं है। नहीं ठीक है भाई, ठीक है, कितना आएगा माइनस 0.8, क्योंकि इसमें कितना आएगा, एक यहां पर आएगा और यहां पर माइनस 0.6, तो माइनस 0.6 डेल आउट। समझ में आ रही है कैसे हो रहा है ये, क्योंकि आपने क्या किया, यहां पर आएगा माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ना टेट्राहेड्रल के केस में, दो नीचे और तीन ऊपर आएंगे, कंडीशन उल्टा हो गया, उल्टा ना हो गया, ठीक तो है, ठीक है, हाँ, उल्टा ही हो गया। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0, तो कितना आया माइनस 0.6। तो इसमें एक चीज और रहेगी, यहां पर D1, D2, D3 में स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड काम नहीं करते। कैसे नहीं करते, मैं रीजन भी देता हूं। D2 की कंडीशन आई, D2 में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, ये ले लिया, तो कितनी आएगी CFSC, माइनस 0.8 डेल। ये किसका है, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, दोनों में सेम आई, ये बता भी देंगे ऐसे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड होता वो तब रिपेयर नहीं करवा पाता, क्योंकि हमारे को तो डी के कितने वैकेंसी है, दो ही सही है ना। फिर सेम एज इट इज अगर टेट्राहेड्रल होता तो कितनी आ जाती, माइनस 1.2 डेल नॉट। अब ये बात समझ गए, अब यहां से चेंजमेंट आना स्टार्ट होगा दोनों में। अब हमारे पास D3 आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता, तो कितनी आती, माइनस 1.2 डेल नॉट, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, तो वीक फील्ड में भी और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी। अब यहां पर कंडीशन हो जाती चेंज, ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में क्या हमारे पास sp3 या फिर dsp2 ये कंडीशन थी, सॉरी टेट्राहेड्रल में तो sp3 बनती है या फिर sd3 बनती है, बट वो वाली कंडीशन नहीं है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आता और फिर आप ऊपर लेके जाते, ऊपर लेके जाते हैं तो कितना आ जाता, माइनस 0.2 प्लस 0.4, तो माइनस 0.8 आ जाता। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं एक बार ऑक्टाहेड्रल की, क्योंकि यहां पर दो कंडीशन बनने जा रही है, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक ठीक काम चल रहा था, D4 की कंडीशन आ गई। D4 की कंडीशन में क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर चला गया। ये कब जाएगा ऊपर, जब वीक फील्ड होगा, तो यहां पर से कंडीशन क्या आएगी, माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आया भाई, माइनस 0.6 डेल। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता तो क्या करता, ये ऊपर से नीचे जंप करवा देता, तो यहां पर पेयर कर देता, 0.4, तो यहां से कितनी आ जाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में, तो माइनस 1.6 डेल आउट, कितना आती 1.6 डेल आउट। समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं, अब यही चीज आपको समझनी है। अच्छा एक चीज और, यहां से लेके यहां तक आने में कितनी एनर्जी का यूज हुआ, लग रही है ना, तो ये पेयर करवाने में जो एनर्जी का यूज हुआ ना, इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करवाता है, पेयर करवाता है, पेयर करवाने में जो एनर्जी का यूज हो रहा ना, इसको बोल रहे हैं आप
पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, हो जाएगा, कर लो ज्ञानी भाई, सेम एज इट इज। आप किसके लिए निकालोगे? डी फाइव के लिए। वीक फील्ड है तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो कितना होगा भाई? -0.4 प्लस 0.16 हो जाएगा, 4 3 12 और ये भी हो जाएगा, तो 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी इसकी? D5 के केस में आ गई 0। वेल नोट, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या आएगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां पर और ये वाला यहां पर, तो कितने हो गए टोटल? 5, 520 -0.0। वेल नोट, समझ रहे हो भाई? अब आ जाते हैं D6 के केस में। D6 में कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वापिस नीचे, और वापिस नीचे आ रहा, तो इसका मतलब अब क्या कंडीशन लगाओगे? तो 400 के 16 तो 1.6 और 1.2 प्लस 1.2 तो कितना आया? -0.4। ये तो वीक फील्ड की बात की है, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या काम करवाएगा? 1, 2, 3 -2.4 4, 5, 6 ये भी यहां पर आ जाएगा और ये भी यहां पर आ जाएगा, तो कितने आ गया? -6 और 24 -2.4। डेल नोट, फिर आगे कौन सा? D7 में क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो कितना आया? 520 -2.0 प्लस कितना आया भाई? 1.2 तो कितना आया? -0.8। स्ट्रोक फील्ड में क्या करेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 7 है ना, 6, 7 एक इलेक्ट्रॉन ही यहां पर आ सकता है, तो इसका मतलब एक खाली हो जाएगा, तो कितना आया? 6, 6, 24 -2.4 प्लस 0.6 तो कितना आया? -1.8। फिर कौन सा रहेगा हमारे पास? D8। D8 में क्या? वीक फील्ड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसका मतलब कितना आया? 6, 6, 24 और 6, 2, 12 तो -1.2। डेल नॉट, और यहां पर क्या आ गया हमारे पास? कितनी कंडीशन आई भाई? D8। हाँ, यहां पर से कंडीशन निकाल रहे हैं अब हम कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई कंडीशन में फर्क पड़ेगा? ऊपर से जगह ही नहीं है, जब यहां पर फेयर करवाने की तो कुछ करवा ही नहीं सकते। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये क्या करेगा? सेम ही आएगा, तो इसका मतलब है इससे आगे जो भी देखोगे ना आप, D8 हो गया था हमारे पास, वही चल रहा है, तो D8, D9, D10 वहां पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं करता, सेम सीएलएस कर लोगे भाई। तो ये आज हमने आपको बताया कि सीएफटी क्या होती है, कैसे आप उसको सोल्व करते हो, कल इसका टेस्ट रहेगा, ठीक है? हाँ, कल जाते हैं, क्लास लेंगे भाई। जी सर।